त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कहलगांव के एक चाड़ी पंचायत में। यहां के लोगों से बात करेंगे, वो इस बार किनको चुन रहे हैं और जो मुखिया थी, वर्तमान जो मुखिया हैं, उनके कार्य से कितना पसंद है। आइए लोगों से बात करते हैं। 15 साल में जो काम नहीं हुआ था, कम अवधि में 5 साल के अंदर में जो काम नहीं होना चाहिए लगभग हो चुका है। क्या काम बचा हुआ है जो इस बार देखना है? क्या कि 5 साल जो कि 15 साल की योजना था, वो 5 साल में नहीं होगा। कुछ बचा हुआ है, 20% 25% पूरे पंचायत में बचा हुआ है। कोई भी जनप्रतिनिधि 5 साल में पूर्ण नहीं कर सकता है। जो जनप्रतिनिधि 15 साल में नहीं कर पाया, वह 5 साल में क्या कर पाएगा? जहाँ तक संभव हुआ है, और ग्रामीण और पूरी पंचायत लोग संतुष्ट हैं। अब रही मतदान की बात, तो सभी समुदाय से, सभी मोहल्ले से उम्मीदवार है, तो उस हिसाब से जो है लोग मतदान करेंगे। और भी लोग हैं, बात करते हैं किनको चुन रहे हैं इस बार पंचायत में, किनको देखना चाह रहे हैं फिर से इस बार। मुखिया प्रत्याशी में तो अभी सब अपना अपना प्रचार कर रहा है। देखिए, सब मतदान है, गुप्त मतदान, इसलिए खुल के कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन जो अच्छा उम्मीदवार उसको चुना जाएगा। वर्तमान मुखिया से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, पूर्व मुखिया से तो जरूर संतुष्ट हैं। पूर्व मुखिया 5-15 साल में हमारे गांव में नगण्य विकास किया था, बहुत कम काम किया था, लेकिन ये 5 साल में जो किया है, हद तक काम हुआ है, विकास हुआ है। क्या काम बाकी हैं आपके पंचायत में और इस बार किनको फिर से पद पर देखना चाह रहे हैं? हम मुखिया के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, मगर हमारे वार्ड में जो अभी विकास हुआ है, हर जगह रोड नाला हर चीज़ हो चुका है। अब पानी का जो समस्या था, वो बिहार सरकार 9 नंबर वार्ड में जगह नहीं था, उसके कारण नल जल योजना नहीं हो सका। कुछ नल जल योजना हुआ है 9 नंबर वार्ड में, बस यही बोलेंगे, विकास तो हुआ है 9 नंबर वार्ड में। जनता का क्या मूड लग रहा है, जो क्षेत्र में घूम रहे हैं आप लोग, क्या कह रही है जनता? जनता क्या कहेंगे, जो बढ़िया काम विकास करेंगे फिर उसको चुनेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। युवा हैं आप, किनको नहीं बोलेंगे? अच्छा ठीक है, किसको देखेंगे बाबा मुखिया पद पर? मुखिया पद पर तो अभी नहीं बता सकेंगे, या तो मतदान है, गुप्त मतदान, गुप्त मतदान है। लेकिन अभी जो मुखिया है उनसे कितना संतुष्ट है, काम हुआ है? काम तो हुआ है, 12 आना काम हुआ है, 4 आना बाकी है। ठीक है, कितने संतुष्ट हैं अभी के मुखिया से? संतुष्ट हमारे 12 नंबर वार्ड में हर जगह रोड जल नल हर जगह हो चुका है। मतलब जो निश्चय योजना है, जल नल सड़क नली सब काम हो गया? हाँ, वो हो गया। इंदिरा देवी को ही बनाना चाहेंगे हम लोग। इंदिरा देवी क्यों? वो काम किए हमारे क्षेत्र में, वो काम किए हैं। क्या सब काम हुआ? काम हुआ, इंदिरा आवास में भी समर्थन है, नाला का भी समर्थन है, पाइप भी बिछाए हुए हैं, उसका जितना फंड में है वो पूरा तैयारी है, ये हम कहेंगे। क्या लग रहा है, किसको इस बार पद पर देखना चाह रहा? प्रमोद को। प्रमोद जी कौन है? प्रमोद, प्रमोद मंडल, इंदिरा देवी वर्तमान मुखिया है। हाँ। क्यों इस बार फिर उनको? क्यों? काम किया है, काम हुआ पंचायत। हाँ हुआ है। की नाम छिको दादी? हमरा नाम कौशिला देवी। पानी आबै छौ? हाँ, पानी आबै छौ, दू टाइम आबै छौ। कहना पानी छौ? बढ़िया पानी। खाना बनबै छौ पानी से? हाँ। कहिया से आबै छौ पानी? जहिया से खमलो छै। रुकन बोल दे। जहिया से होलो छै नि है, की कहै छै, टोटी, जहिया से बनाय छै खाना। सड़क की? सड़क, सड़क छौ बढ़िया? पानी देखे भांगी गेल छे, की करते गाड़ी चले छे? पानी छे, पानी पिए वाला बढ़िया। हाँ तब पानी आ गेल, डिब्बा में धरले छी पिए ला। कखनी कखनी आबे छौ पानी? साँझ बिहान आबे छी। साँझ बिहान? हाँ, 4 बजे साँझ बिहानी। आरो कखनी? 2-3 दिन घरों में कल छे, लाही करे रहे पिए छे पानी। पानी पिए वाला छौ तब? रोड केना छौ गाँव में? रोड तो ठीक है, बना पहले खराब आवत ठीको छौ।
ठीक छै तब माने पानी जनी कान जाय लालो बनी गेल छै लालो नै छै पाटो नै छै नाली नाली अभी ठीक छै पानी जाइए जाइए रहलो छै पानी मतलब खाना बनबै यूज करै छौ हां पियानो खाना सब आबै छै कितने खुश हैं मुखिया से हम लोग खुश नहीं है इसलिए खुश नहीं है कि हमारे वार्ड नंबर 12 में जो भी काम हुआ है PCC कार्य सड़क निर्माण वो बहुत अच्छा ही है और बाकी नल जल योजना का जो भी है लो क्वालिटी का पाइप लगा है इसके बारे में हम लोगों ने वहाँ अनुमंडल में और जगह सभी जगह हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया लेकिन वहाँ हम लोगों का नहीं सुना गया। अच्छा काम किया है पहले जो मुखिया थे वो जो कुछ काम नहीं किए थे जो अभी वर्तमान मुखिया जो थे वो अच्छे काम किए हैं वार्ड में थे रोड भी बनाए हैं यहाँ मतलब मंदिर में जो है टासोलिंग से ढला है बाउंड्री क्या लग रहा है जनता क्या कह रही है तो जनता के मन पे तो हम क्या कह सकते हैं आप लोग भी फील्ड में घूम रहे होंगे ना फील्ड में घूम किसका चांस है इस बार सब देखिए कौन मुखिया बनती तो हम नहीं कह पाते हैं लेकिन जो वर्तमान में मुखिया थे वो अच्छे काम किए हैं ऐसा वार्ड में था नहीं कि नहीं किए हैं जल नल योजना है नाली गली योजना है कितना काम हुआ अच्छे काम किया है गया है 12 नंबर वार्ड में अभी वर्तमान मुखिया का 12 नंबर वार्ड में जितना किए हैं कि आज बहुत दिन पहले जो था मुखिया वो नहीं किया और सभी वार्ड है ना इस गांव में इस पंचायत में जी तो उसमें कितना काम हुआ उसमें लगभग जो है कि काम जो है कि हर एक वार्ड में काम कुछ नहीं कुछ हुआ है हर एक वार्ड में और 12 में रही बात 12 में जो है कि देखिए रहे काम घूमिए गांव के बीच में देखिए किधर नहीं हुआ है किधर हुआ है ये घेराबंदी हुआ ये सब पक्कीकरण हुआ मुखिया से काम सब खुशे छै जे करलो छै खुशे छै आज उन्हें नहीं करलो छै काम खुश छै को राशन मिले छौ राशन मिले छै हमरा असनी कार्ड नहीं मिललो छै शुरू से प्रमोद सर जी मुखिया लिखी के देला छै वही तरफ से मिले छै शिवदानी काट आने गए वहाँ काट नहीं दिल के घूरी के लो कौन गाँव घर वाले एक चारी पूरा टोला काम तो होलो जो सर यहाँ पर शिवाला रो शिवाला खाली कम गाँव में कितना कम गाँव तो हमरा नजर में है कम होलो जो आरो सब योजना सड़क नाली गली योजना तो बहुत छे सर लेकिन हमरा जानकारी नहीं छो अब हमरा है आगू में होलो तो कैसे कह दे कि नहीं होलो राशन मिले छौ हाँ राशन मिले छौ पानी हाँ पानियो मिले छौ आपने जनता का मूड जाना कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जो मुखिया हैं इंदिरा देवी वो काम कर रहे हैं बेहतर काम किए हैं 5 साल में हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि काम नहीं हुआ है उनके पंचायत में कई काम जो हैं बाकी हैं बहरहाल 8 को चुनाव है जनता किसके सर पर जीत का सहरा सजाती है उस दिन देखना दिलचस्प होगा अश्वनी कुमार बिग न्यूज़ 1/4